देखिए चीन बेहद परेशान है और अब अमेरिका की टेंशन दो गुना यहां पर ज्यादा हो गई है क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स युद्ध के लिए तैयार कर दी। ईरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडेन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया। ये ड्रोन के लॉन्च होने का वीडियो ये ड्रोन से धमाकों का वीडियो ये तस्वीरें ईरान को बहुत जोश दिलाती हैं। और यही वजह है कि उसने अमेरिका को एक वीडियो दिखाकर ऐसा शॉक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्फ से गुजर रहा है यानी फारस की खाड़ी। इसे ईरान अपना इलाका मानता है लेकिन खबर यह नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ईरान का एक अटैक ड्रोन है। इस वीडियो में ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टारगेट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडेन को डराने लगी है। ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। वो अमेरिका को बहुत कड़ा सबक सिखाना चाहता है। ईरान बार बार कह रहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मैसेज अमेरिका तक पहुंचा दिया है। ईरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए जो उसने खुद बनाए हैं। जिन ड्रोन को इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया उनमें चाम रोश, यासिर, सादिक, पेलिकन, कमान, यजनदान और मुहाजिर ड्रोन है। इन ड्रोन के जरिए ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को बता दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। ये यूक्रेन के युद्ध में रूस की मदद कर रही है तो यमन के अलावा सीरिया और अब लेबनान में हिजबुल्ला भी ईरान की ड्रोन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब से अमेरिका की वॉरशिप के ऊपर ईरान का ड्रोन मंडराता हुआ दिखाया गया है बाइडेन और उनके दोस्तों में गजब की दहशत फैल गई है क्योंकि सब बाइडेन से सवाल कर रहे हैं कि ईरान का अटैक ड्रोन उनके जंगी जहाज के ऊपर उड़ता रहा, उसके बहुत करीब आ गया और उसे टारगेट पर भी ले लिया, लेकिन अमेरिका की नौसेना को इसकी खबर तक नहीं हुई। आखिर ऐसी ड्रोन पावर से अमेरिका कैसे निपटेगा, क्योंकि ईरान ने ये ड्रोन जारी करके साबित कर दिया है कि उसकी ड्रोन पावर तो अमेरिका को ही निपटा सकती है। किसी भी वॉरशिप के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी ही नहीं बेइज्जती वाली बात है कि दुश्मन का ड्रोन उसके ऊपर मंडराए और उसे खबर तक न हो। अमेरिका का आर्लेक बर्ग जहाज दुनिया की सबसे बेहतर एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस हथियारों से लैस है। अमेरिका के पास ऐसे 69 जहाज हैं। ये वॉरशिप ऐसे रेडार से लैस हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आसमानी टारगेट को खत्म कर सकते हैं।
इसमें लगा एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वॉरशिप के एयर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है। इसकी फायर पावर ऐसी है कि यह अकेला वॉरशिप पूरी ईरान की नेवी को खत्म कर सकता है। लेकिन इसी जंगी जहाज के ऊपर अपना ड्रोन मंडराकर ईरान ने अमेरिका का आत्मविश्वास किसी शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया है। अब ईरान के आसपास तैनात होने वाला अमेरिका का पूरा बेड़ा खतरा महसूस कर रहा है। ईरान ने खुद को एक ड्रोन सुपर पावर के रूप में पेश कर दिया है और उसके टारगेट पर इस वक्त दो देश, पहला है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। ईरान की ड्रोन एक्सरसाइज में हर दांव परख लिया गया है। पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है। वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर रखता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। तीसरा ड्रोन ये है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबेल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। इस तरह ईरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है। ऐसे ट्रेलर रिलीज करके ईरान बताता रहता है कि पश्चिम एशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया और अब यही फायर पावर लेकर ईरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है। सवाल है कि इतनी बड़ी ड्रोन पावर बनकर ईरान क्या करना चाहता है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाए, नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ड्रोन की फायरिंग रेंज और साथ में उससे होने वाले धमाके की ताकत दिखाकर ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के हर मिलिट्री बेस को अपने टारगेट पर ले लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लंबे वक्त से है, कई अरसों से है, लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ईरान सीधे सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती क्यों नहीं देता। दरअसल कुवैत में अमेरिका के 10 सैन्य अड्डे हैं। ये तमाम गल्फ कंट्रीज में जहां जहां पर सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है कुवैत। कुवैत में 13,000 सैनिक तैनात है अमेरिका के और यहाँ पर देखिए सैनिकों की आबादी कितनी है, 13,000 जो कि अमेरिकी सैनिक है। और बहरीन में अमेरिका ने 12,000 अड्डे बनाए हुए हैं और यहाँ सैनिकों की जो संख्या है वो 3,700 के करीब है और इसी वजह से यहां पर कई फौजी अमेरिका के तैनात हैं। वहीं सऊदी अरब की ओर आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस यहां पर हैं सऊदी अरब में और यहां पर सैनिकों की अगर संख्या की बात की जाए तो यहां पर अमेरिकी सैनिक 3,000 हैं। तो आप देख सकते हैं कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब। अब आगे बढ़ते हैं, ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं और यहां पर उसके 600 सैनिक तैनात हैं। वहीं यूएई की बात की जाए, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। और कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां पर 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है और यहां अमेरिकी सेना का होना उसके लिए खतरा बन जाता है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता।
क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहां करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। ईरान ने अब अमेरिका को खुल्लम खुल्ला वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपना अटैक ड्रोन मंडराकर ईरान ने एक तरह से बाइडेन को युद्ध का नोटिस दे दिया है।